जय जिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। ये चर्चा है कि मंगल शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए आइए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube.com/beautywithastrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम जानते हैं मंगल की पोजीशन वृषभ राशि में। मंगल वृषभ राशि में 10 अगस्त 2022 को रात 9:08 पर प्रवेश करने वाले हैं और जहां पर वो 15 अक्टूबर 2022 तक रहेंगे। इसका मतलब 2 महीना 5 दिन मंगल का जो विचरण है वो वृषभ राशि में होगा। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र। 10 अगस्त को मंगल जो है कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए ही प्रवेश करने वाले हैं वृषभ राशि में। इसके बाद ये 27 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 24 सितंबर तक ये रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, लगभग 1 महीने का समय। और इसके बाद ये मृगशिरा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो एकंदरित हम ये कह सकते हैं कि मंगल को नक्षत्र बहुत अच्छे मिल रहे हैं विचरने के लिए, जिससे उनको बहुत ही साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और फुल टू एकदम सपोर्ट मिलेगा सूर्य का, चंद्रमा का और खुद का। तो चलिए हम जानते हैं अब कि वृषभ राशि अपने आप में एक भौतिक राशि होती है, पृथ्वी तत्व की राशि होती है। धन जमा पूंजी, अब आप कहेंगे कि आप इसको कैसे कह रहे हैं, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वृषभ राशि जो होती है वो दूसरे घर की राशि होती है। दूसरा घर जो होता है संचित धन का होता है, जमा पूंजी का होता है, पैसे का होता है और परिवार का होता है, बोलने चालने का होता है और खाना खाने का होता है। और साथ साथ ये जो वृषभ राशि है बहुत ज्यादा क्रिएटिव, क्योंकि इसका स्वामी जो है ये शुक्र है, ये साथ साथ फैशन और खूबसूरती, आर्ट, मीडिया को संबोधित करती है। बहुत ही मटेरियलिस्टिक राशि होती है ये, मतलब भौतिक का दिमाग होता है, दुनियावी राशि होती है। और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो पृथ्वी तत्व का भी होता है, शुक्र का भी होता है। ऐसे में जब मंगल प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में तो तीन चीजों का प्रभाव आप पर रहेगा, एक तो मंगल का, एक शुक्र का और एक वृषभ राशि का। अब मंगल अपने आप में क्या है, मंगल ऊर्जा है आपके बॉडी में, मंगल सेनापति है, मंगल आपके ब्लड के स्वामी है, ओहदे के स्वामी है, आपके मंगल जो है आपके उच्च पदों के स्वामी है, धन जायदाद, जमीन जायदाद जिसे कह सकते हैं उनके स्वामी है। मंगल अपने आप में खुद पृथ्वी तत्व सा व्यवहार कर रहे हैं और क्योंकि मंगल जो है ये अग्नि तत्व होते हुए भी ये सब जमीन जायदाद से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं उन पर अपना अधिकार रखते हैं। इसके साथ ही ये मंगल जो है ये आपके साहस, पराक्रम, पुलिस बल जैसे हम देखते हैं उन सब में ज्यादा पाए जाते हैं, जो फ्रंट पे लड़ने के लिए जाते हैं सैनिक, उनके लिए भी मंगल का प्रभाव अच्छा हो तभी वो ऐसा काम कर सकते हैं। मंगल बहुत ही साहसी होते हैं, बहुत ही प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं काम करने के लिए, पराक्रम बढ़ा हुआ रहता है। और यहाँ पर जो शुक्र की राशि वृषभ राशि है वो ऐसा काम मांग रही है, क्योंकि वृषभ राशि को सब सुख चाहिए, वृषभ राशि को भौतिक सुख पूरा चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करेगी। और ऐसे में धन संचित करने के लिए मंगल जो साहस करेगा तो वृषभ राशि उसके साथ मिलकर अपना काम पूरा करेगी। यहां पर हम लस्ट को, मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन में जो लस्ट पैदा होता है, जो कामुकता पैदा होती है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मंगल जितने दिन भी यहां पर बैठे रहेंगे जनता में अपने आप में कामुकता का विचार, जिन लोगों के खासकर पंचम भाव, द्वादश भाव या अष्टम भाव में, सप्तम भाव में मंगल का विचरण वृषभ राशि में भावों के अनुसार हो रहा है, तो वहां पर लस्ट काम करेगा, कामुकता भी काम करेगी। देखेंगे कि बाकी ग्रहों की दृष्टि आपकी कुंडली में क्या है और उसके बाद जानेंगे कि आप कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे इन चीजों में।
इनके इच्छाओं की सीमा नहीं रहेगी जब मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। फिर वृषभ राशि और मंगल मित्रों का भी कारक माना गया है, भाइयों का कारक माना गया है, तो भाइयों के साथ कटु बोलना, क्योंकि वृषभ राशि द्वितीय भाव की राशि होती है, तो कटु बात करना, किसी भी मित्र के साथ बिगाड़ लेना कटु बोल के, ये सब आपको नहीं करना है। इन दिनों मंगल जो है वो अपनी राशियां जो मेष राशि है और वृश्चिक राशि, इनमें से मेष राशि में राहु बैठा हुआ है, वहां से निकलकर अब वृषभ राशि में जा रहे हैं, तो अंगारक योग को खत्म कर रहे हैं, लेकिन अपनी राशि को अकेला राहु के हाथ में छोड़कर जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए मेष राशि वालों, आपके लिए अब दूसरी तरीके से आपको बल आजमाना जरूरी होगा, अब आपको बल बटोरना पड़ेगा दूसरे ग्रहों से। और वृश्चिक राशि के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि सीधी वृश्चिक राशि पर पड़ेगी, तो उनका आत्मबल और कॉन्फिडेंस जागेगा। वैसे मैं बता दूं कि मंगल किसके किसके लिए कारक है, तो मंगल जो है वो कारक बनते हैं मेष राशि के, कर्क राशि के, सिंह राशि के, और साथ साथ वृश्चिक राशि के, धन राशि के और मीन राशि के। तो ये लोग सब मंगल के उपाय कर सकते हैं, अगर किसी प्रकार से मंगल उनको फायदा नहीं दे रहा है या गलत भावों में बैठा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं मंगल के उपाय का। अब मंगल की दृष्टियां क्या कहती हैं, मंगल वृषभ राशि में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे सिंह राशि को, जो उनके अपने मित्र का घर है, सूर्य का घर है, तो पराक्रम उत्साह को बढ़ाएंगे। अपनी राशि वृश्चिक राशि को देखेंगे तो वहां पर वो उसको एकदम सबल करेंगे, उस भाव को सबल करेंगे। अष्टम भाव से गुरु की राशि को, धनु राशि को देखेंगे तो गुरु भी उनका मित्र है, तो टोटैलिटी में मंगल का ये भ्रमण जो है, भले ही मेष राशि में राहु विचर रहा है, मंगल का ये जो दो महीने और मैंने बताया 5 दिन का ये जो भ्रमण है, बहुत ही शुभ रहने वाला है। लोग धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, जमीन जायदाद लेंगे, संचित धन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, उत्साहित रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे। चलिए मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर दे रहे हैं मंगल, इसका प्रभाव जानते हैं। मेष राशि, आपके लग्नेश है मंगल, आपसे द्वितीय गए वृषभ राशि में, तो धन संचित करने का काम थोड़ा कटुता से बोलना बंद कीजिए। परिवार में किसी के साथ कलह क्लेश मत कीजिए, वो साथ में मिलके आपके धन संचित करने में आपकी मदद करेंगे, तबीयत आपकी अच्छी टनाटन हो जाएगी और आपका माइंड बहुत पराक्रमी हो जाएगा, आपके बच्चे भी पराक्रमी हो जाएंगे, काम धाम करने के लिए सोचेंगे, तबीयत ठीक करने के लिए सोचेंगे, अध्ययन पढ़ाई नौकरी इन सब चीजों में एकदम जागृत हो जाएंगे, काम को आगे बढ़ाने के लिए, भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से कोशिश करेंगे, यात्राओं पर निकलेंगे तो भी आपके काम होंगे, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, आप ओहदे के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दीजिए, इंक्रीमेंट के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। वृषभ राशि, लग्न में मंगल बैठेंगे तो आपको कामुक बना सकते हैं, लस्ट आपकी बढ़ सकती है, सुंदर दिख सकते हैं, चेहरे पर आपके आकर्षण छा सकता है, विवाहित हैं तो विवाहित जीवन में आनंद आएगा, और विवाहित नहीं हैं आप तो शादी के योग बन सकते हैं, क्योंकि आपके प्रेम प्रसंग हो सकते हैं। यहाँ पर मंगल की दृष्टि जो है वो आपको आश्वस्त करती है कि घर परिवार में आपको कुछ काम करना है, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या रेनोवेशन करना है, वाहन लेना है, तो आपको इससे बहुत जल्दबाजी में और अच्छे तरीके से और अच्छा काम होने जा रहा है। आप ये भी याद रखिए कि मंगल की सप्तम दृष्टि के कारण आपके विवाहित जीवन का जोड़ा थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाएगा, लेकिन आपके व्यावसायिक पार्टनर और वो मिलके आपके बहुत सारे भाग्यवर्धक काम और व्यवसाय बढ़ाने में आपका साथ देंगे। तबीयत का डायग्नोस करने के लिए भी आप पूरी तरह कोशिश करेंगे और अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर भी व्यवसाय करें तो भी आपको फायदा होगा। याद रखें इन दिनों आपकी पर्सनालिटी में एक आकर्षण है, तो उसको कैश कीजिए, फोटोज सेशंस मीडिया आर्ट इनसे रिलेटेड कोई काम है तो बना लीजिए। मिथुन राशि, द्वादश में आ जाएंगे मंगल, तो प्रेम संबंध हो सकते हैं। जो लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे कि लव लाइफ अच्छी हो जाए, उनकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप झगड़े पट्टी में ना पड़े। हालांकि आपका शत्रु अंता योग बना हुआ है मंगल की दृष्टि है वृश्चिक राशि पर, और वृश्चिक राशि 6th भाव में है आपके, तो आपके लोन्स वगैरह भी खुलते हैं, आपके
मामा पक्ष से सहयोग, आपके शत्रु अंता योग बनने के कारण विरोधी शांत और आपके आक्रामक स्वरूप से आपका तेज बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यात्राओं पर निकलेंगे आप, आपकी यात्रा में आपको कोई अच्छा साथी मिल सकता है, आपको विदेश में काम मिल सकते हैं, आपके देश में आप भ्रमण कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, उस पर खर्च कर सकते हैं, और साथ साथ आपके कई सारे ऐसे काम जो विदेशों में अटके हुए हैं वो भी हो जाएंगे। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ कोई काम करना है तो वो भी काम मुझे बनते नजर आते हैं। पब्लिक में आपकी इमेज ऐसी होगी कि आप बहुत ज्यादा साहसी हो, पराक्रमी हो। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए लाभ में मंगल बहुत अच्छी स्थिति है। अब जो आप काम बना के आए थे राहु के साथ अंगारक योग बना के, जो बेचैनी थी आपको, झगड़े थे, फसाद थे, वो खत्म हो के अब आप पैसा कमाने के पीछे पड़ेंगे। माइंड आपका शार्प हो जाएगा, आप सोचेंगे कि कैसे काम करना है, कैसे धन कमाना है, कैसे अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है बच्चों के लिए, अपने लिए, और आपके कोई भी अगर ऐसे काम जिसमें संचित धन करने का काम है तो परिवार भी सपोर्ट करेगा, पैसा आपका जमा होगा। बोलने चालने के काम में आपका सिक्का जम जाएगा, सिंगिंग वगैरह के काम में, और घर परिवार में आप आक्रामक स्वरूप से कार लाना, प्रॉपर्टी खरीदना, रेनोवेशन करना, माता पक्ष का सहयोग से सब ये कर सकते हैं आप, और आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि आप कई सारे काम इन दिनों में निपटा डालेंगे। सिंह राशि, आपके लिए मंगल दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव में मकर का मंगल काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से माना जाता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपके नौकरी और ओहदे मिल सकते हैं, स्टेट एजेंट हैं तो जमीन जायदाद से रिलेटेड काम बढ़ सकता है, अगर आपको क्रय विक्रय करना है प्रॉपर्टी का हो सकता है, अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बिल्डर हैं तो आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। आप ये भी याद रखें कि पैसा गलत लोगों के साथ मिलकर नहीं लगाना है, क्योंकि राहु इन दिनों बैठा हुआ आपके भाग्य भाव में। दूसरी बात, आपका माइंड शार्प हो जाएगा, आपके माइंड में एक ऊर्जा आ जाएगी, आपके बच्चों के भी दिमाग में ऐसी ऊर्जा आएगी, अध्ययन पढ़ाई के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, घर परिवार में कार खरीदना, जमीन जायदाद खरीदना, रेनोवेशन करना, ऐसी सब हलचलें हो सकती हैं। माता और पिता दोनों से ही आपको सहयोग मिल सकता है और कार्यस्थल पे प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। कन्या राशि, कई सारे काम जिसमें यात्राएं शामिल थी, कई सारे काम जिसमें छोटे भाई बहन शामिल थे होने जा रहे हैं। आपके नए नए भाग्यवर्धक संदेश वर्कआउट होंगे। व्यावसायिक पार्टनर के साथ, माता के सहयोग से, छोटे भाई बहनों के सहयोग से कई सारे काम आपकी यात्रा में भी पट जाएंगे। आप अगर चाहेंगे कि कोई व्यवसाय के लिए आपको बाहर जाना है तो आप जा सकते हैं, देश भी जा सकते हैं, विदेश की यात्राएं भी लिखी हुई है, विद इन इंडिया भी आप यात्रा कर सकते हैं, वीजा वगैरह लग सकते हैं। अब आप देखिए कि सूर्य की स्थिति भी अच्छी होने जा रही है, तो सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि होगी, इसलिए आप अपने आप में कई सारे काम करते नजर आते हैं। मुझे आपके जो भी ऑफर्स आ रहे हैं ना, उनको मना मत करिएगा, लेते जाइएगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके मंगल जाके अष्टम भाव में बैठेंगे, तो ये मंगली के योग बनाए यहाँ पर। आप याद रखिए, विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना, अदरवाइज सब अच्छा है, तबीयत अच्छी हो जाएगी, लस्ट कामुकता रहेगी, आपके दिमाग में प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्त्रियों में महावारी, यूट्रस वगैरह, ओवरीज वगैरह, तो ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज आपके विवाहित जीवन के संबंधों में आपको झगड़ेबाजी नहीं करनी है तो सब शांत रहेगा। व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलकर काम करें, संचित धन होने जा रहा है, पैसा आएगा तो संचित होगा ना, तो पैसा आ रहा है और ये पैसा आपको संचित कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलने चालने सिंगिंग वगैरह के काम में भी फायदा होगा, यात्राओं में लाभ होगा, और छोटे भाई बहनों से सहयोग पूर्ण चारों दिशा से मिलने वाला है, और सात्विक सहयोग भी मिलेगा आपको, सरकारी दरबारी काम बनने जा रहे हैं, आपके केसेस विवाद में मुक्ति होगी। वृश्चिक राशि, लग्न पर है मंगल की दृष्टि, आप सुंदर दिखेंगे, आकर्षण पैदा होगा, फोटो सेशन, मीडिया से रिलेटेड काम, आर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो भी आपका काम बन जाएगा, सरकारी दरबारी लोगों से सपोर्ट मिलेगा, आपके कई सारे काम जिसमें व्यावसायिक पार्टनर विवाहित जीवन के पार्टनर शामिल है तो वो भी करेंगे साथ में काम, धन संचित होगा। परिवार में आक्रामक स्वरूप से बात मत करिएगा, अगर आपने गलत बात की, आपने क्या कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर बात की, झगड़े की, तो बात बिगड़ेगी, अदरवाइज आपके सब अच्छे ही अच्छे फल हैं। मंगल के वृषभ राशि में आने से आपके विवाहित जीवन के साथी भी तत्पर हो जाएंगे आपके साथ काम करने के लिए,
और संचित धन संभालने के लिए भी। धनु राशि, आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि है, एक बहुत अच्छा योग बनेगा कि आपके प्रेम संबंध दोबारा अगर टूट गए थे तो हो सकते हैं लव लाइफ सुधरेगी और आप कई सारे काम विदेश रिलेटेड भी कर सकते हैं, खर्च भी हो सकते हैं। शत्रु अंता पूर्ण योग बनेगा तो विरोधी एकदम शांत हो जाएंगे। व्यवसायिक पार्टनर से खूब चलेंगी, मामा पक्ष से व्यवसाय कर सकते हैं, लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, बैंकिंग रिलेटेड काम भी मुझे होते नजर आते हैं आपके। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लिए मंगल जो है वो जाकर बैठेंगे आपके दिमाग पर, तो गुस्सेबाजी एकदम तेजी, पराक्रम है, उत्साह है, सब अच्छा है, लेकिन गुस्से और तेजी अच्छा नहीं है। धन आने वाला है तो पैसा प्यार से ही लिया जाता है और मीठा बन के ही लिया जाता है। थोड़ा माइंड शांत रखिए और अपना पैसा बटोरिए। आपके विवाद केसेस भी सुलटने वाले हैं तो प्यार से एमिकेबली खत्म कर दीजिए, काम हो जाएगा। आपके डायग्नोज भी हो सकते हैं, तबीयत ठीक हो सकती है और प्रेम संबंध नए बन सकते हैं, जो बिगड़े थे वो भी हो सकते हैं, आप बोलचाल के खत्म कर लोगे बात को। विदेश रिलेटेड यात्राएं भी आपकी हो सकती है, हालांकि आपका कारक ग्रह नहीं है मंगल, आपके लिए शत्रु ग्रह है, लेकिन यहाँ पर आपको नुकसान नहीं दे रहा क्योंकि आपके धन का कारक है, पैसे आते हैं इससे आपको। तो इन दिनों आपको मंगल के उपाय नहीं करने हैं, लेकिन मंगल के सपोर्ट जरूर मिलने जा रहे हैं। कुंभ राशि, आपके लिए मंगल कारक तो नहीं और ऊपर से मंगली की चतुर्थ में बना के बैठेंगे, थोड़ा घर में फसाद झगड़े, कोई सास ससुर, कोई बहू और सास की झगड़ा वगड़ा ऐसा मत करिएगा। घर के अंदर रेनोवेशन होना, जमीन जायदाद खरीदना, पॉजिटिव जितनी बातें हैं ना उन पर ध्यान दीजिए और साथ में आपके धन आने की जो सूचनाएं हैं उन पर ध्यान दीजिए। केसेस विवाद खत्म होने की जो सूचना है उन पर ध्यान दीजिए। आपके विवाहित जीवन के साथ ही आक्रामक स्वरूप से आपका साथ देंगे, आपके उनके साथ भी आपको रिलेशन खराब नहीं करने हैं क्योंकि वो आपके व्यवसाय भी साथ में मिलके कर सकते हैं, व्यवसायिक पार्टनर भी आपके साथ मिलके अच्छा एक माहौल बना सकते हैं। माता पक्ष की आपको सपोर्ट रह सकता है और धीमे धीमे आपके कार्य की ओर अब बात करते हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, आर्मी हैं, तो उनकी इंक्रीमेंट वगैरह हो सकती है, ओहदा बढ़ सकता है, तो एक शुभ सूचना है। मीन राशि, आपके लिए अब मंगल बैठेंगे पराक्रम में, बहुत अच्छी बात है और सूर्य के घर को भी देखेंगे तो शुभ यात्राएं आपकी, साथ साथ आपके क्या कहते हैं आपके लोन्स वगैरह खुलना, आपके सरकारी दरबारी काम होना, व्यवसायिक पार्टनर के साथ काम होना, मामा पक्ष से काम होना, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें सहयोग आपको मिल रहा है, बड़े भाई बहनों का यात्राओं में सफलता मिल रही है, पिता से सहयोग मिल रहा है, चारों तरफ से आपको सफल करने को आए हैं मंगल। मंगल आपके भाग्येश हैं तो क्या कहने, भाग्येश पर डायरेक्ट दृष्टि है उनकी, इस वजह से मंगल जो है, मंगल की दृष्टियों का बहुत प्रभाव होता है, याद रखिए। मंगल आपको यात्राओं पर भी लेके जाएंगे तो बहुत सारा काम आपका धार्मिक कहें, नौकरी के लिए कहें, व्यवसाय के लिए कहें बनाएंगे, जमीन जायदाद से रिलेटेड कहें तो भी बनाएंगे। छोटे भाई बहनों से साथ, उत्साह पराक्रम आपका बना रहेगा, आएगा पैसा लेकिन खूब सारा खर्चा करने की सोचेंगे क्योंकि राहु बैठा हुआ है, संचित नहीं होने देता राहु पैसे को, तो ये आपकी जिद है कि अब आपको पैसा कैसे इकट्ठा करना है। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर मंगल के स्थानांतरण का वृषभ राशि में आने का क्या फर्क पड़ा। एंजॉय कीजिए मंगल को वृषभ राशि में, रोमांटिसिज्म छाया रहेगा, आप खुश खुश रहेंगे क्योंकि खूबसूरती अपने आप में, दुनिया की खूबसूरती, प्रकृति की खूबसूरती, इंसान की खूबसूरती, क्या कहते हैं व्यवहार की खूबसूरती, हर तरह की खूबसूरती जो है वो इंसान को खुशी देती है और मंगल यहाँ पर खुशी देने के लिए आपको आए हैं। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।